ज्ञानेंद्र जो बाल केसरी के नाम से जाने जाते हैं पिटालगढ़ में होगी 19 फरवरी। इसके बाद समीर शाहपुर और सुमित मेरठ तैयार रहे हैं। इसके बाद वंश मेरठ चलिए और महेश सौरव ये भी तैयार है। पीयूष कोशी जय चौहान चलिए। पीयूष कोशी रेड दस टू जय चौहान ब्लू चलिए। ये अंडर 15 52 के जी की पुष्टि चल रही बी मैट पर। मैट बी पर अंडर 15 52 वेट कैटेगरी की कुश्तियां चल रही है। मैच ए पर अंडर 12 35 के जी आयु और भार वर्ग दोनों के अनुसार ये कुश्ती प्रतियोगिता जिला कुश्ती उत्थान समिति प्रतिभा कराती है। इससे अगली कुश्ती के लिए तैयार है भाई खिलाड़ी गोपाल पचेंडा वंश पचेंडा। टेक्निकल फाउल ब्लू कस्टम का रेसलर जय चौहान विनर। पचेंडा गोपाल पचेंडा रेड कस्टम और वंश पचेंडा ब्लू कस्टम आइए दोनों पचेंडा का हो गए। परवीन पहलवान 84 वेट कैटेगरी के अच्छे पहलवान रहे हिंदुस्तान के गढ़े नवाबाग वो आ चुके हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन। अगर आपको कुश्ती थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो भी चैनल पे नए हो। और लिंक इंस्टाग्राम की टेलीग्राम की और फेसबुक की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी से जाके फॉलो और ज्वाइन कर लो। और भी मज़ेदार कुश्ती देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। निवासी पाल केसरी के नाम से जाने वाले कैलेंडर पहलवान जी जिनके यहाँ अगले महीने इसी तरह की कुश्ती प्रतियोगिता होगी। एक साथ 2 मिनट पर कुश्तियां है दर्शकों का रेसलर चल रही है। आइए भाई सुशांत मलकपुर अब्दुल बुढ़ाना दोनों ही मैच पर क्वालिफाइड ऑफिशियल है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार कुश्ती चल रही है। आइए भाई अब्दुल बुढ़ाना
गाइस कमेंट में आप सबको बताना है कि आपको कुश्ती कैसी लगी और आप किस किस की कुश्ती देखना चाहते हो, ये भी बता देना। ये बरवाला का दंगल है जो कि आज 29 तारीख में हुआ है और आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है।